हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे। आज हम जो ड्रिंक प्रैंक करने जा रहे हैं, आज तक हमने इससे पहले कभी किसी के साथ नहीं किया है, क्योंकि आज हम जिस लड़की के साथ ड्रिंक प्रैंक करने जा रहे हैं वो मेरे दोस्त की दोस्त है और इनका बर्थडे आने वाला है। तो मेरे दोस्त ने इनके साथ ड्रॉइंग प्रैंक करने के लिए बोले तो मैंने उनके बातों को मान लिया और मैं आज इस रेस्टोरेंट में आया हूँ इनका चित्रकारी करने के लिए। हम चित्रकारी करने से पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं को माप कर लेते हैं और सबसे पहले इनका लेआउट स्केच कर लेते हैं ताकि ये अपने जगह से हिले भी तो कोई दिक्कत ना हो। अभी हमारे दोस्त बाहर हैं और मैंने उनसे बोल दिया था कि जब तक इनके साथ हम ड्राइंग प्रैंक नहीं कर लेते तब तक उनसे ये नहीं मिलेंगे। ये लोग उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और ये लोग सोच रहे हैं कि कब वो आए, और ये उनके पास मैसेज भी कर रही हैं, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों से बात करते करते ड्राइंग के बारे में हम कुछ बताए भी नहीं, और तो चलिए अब हम आपको ड्राइंग के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज बतलाते हैं। और देखिए, ध्यान से सुनिए, और आप लोग भी ऐसे ड्राइंग स्केच करके किन को सरप्राइज कर सकते हैं। तो ड्राइंग बनाने से पहले कलाकार दिल, दिमाग और ध्यान एक जगह करता है, उसके बाद स्केच स्टार्ट करता है। तो हम पहले ही इनका लेआउट बना चुके हैं, अब हम इनमें पेंसिल के ग्रेफाइट से शेडिंग करना स्टार्ट करते हैं और हर जगह सेम टेक्निक से शेडिंग करते हैं, और कहीं डार्क कहीं लाइट शेडिंग करके इस तस्वीर को रियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये सिर्फ पेंसिल स्ट्रोक है। अगर आप लोग भी ऐसे पेंसिल स्ट्रोक सीखना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर आप लोग घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही ऐसे बहुत सारे वीडियो आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। और मेरे YouTube चैनल का नाम अजमेर आलम पेंटिंग है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अभी हम हर जगह स्ट्रोक से शेडिंग कर रहे हैं और अब हम लोग का स्केच कंप्लीट होने ही वाला है, बस थोड़ा सा काम बच चुका है। आप लोग देख सकते हैं कपड़े में हम फोल्डिंग का हर शेडिंग कर रहे हैं हर जगह। अरे ये क्या, ये लोग तो अब निकल चुके हैं, अब जल्द से जल्द हमें भी अपना स्केच कंप्लीट करके इन लोगों के पीछे पीछे जाना होगा, नहीं तो ये पता ना कब कहाँ चले जाएंगे और ये हमारा ड्राइंग प्रैंक अधूरा रह जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये स्केच कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट और लाइक कीजिए, और वीडियो में बने रहिए, आगे देखिए होता क्या है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम मैम, आप वहाँ पे रेस्टोरेंट में गई थी तो वहीं पे मैम आपको देखा तो आप बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो मैम हैप्पी बर्थडे मैम। बर्थडे जी मैम, आप रेस्टोरेंट में गई थी तो हमको लगा कि आपका बर्थडे। मैम गलत नहीं समझेगा, मतलब कि आप अच्छी लगी तो इसलिए सोचा कि आपको एक सरप्राइज दे। मतलब ये क्या बात है, मैं तो आपको जानती थी कि आप पूरी रात से मेरे पीछे पीछे आए हो, इसलिए मैम हम आपको देने के लिए आ रहे थे तो आप रुक ही नहीं रही थी, तो सोचा कि यहाँ पे अब दे दे, पता ना आप कब घर चले जाएंगे।
तो ऐसे मतलब किसी का भी पीछा करोगे आप? तो मैम आपके लिए एक सरप्राइज है, तो मैम आप प्लीज देखिए, आपको अच्छा लगेगा मैम। मैं तो आपको जानती हूँ मैम, प्लीज आप देखिए तो सही, मतलब कि वहाँ पे आपको देखा तो सोचा कि आपको एक सरप्राइज दें। वहाँ पे हम भी गए थे मैम रेस्टोरेंट में। हाँ, मैंने देखा था, आप वहाँ भी देख रहे थे जी। तो मैम आप देखिए एक बार प्लीज। पर ऐसे कैसे आप? प्लीज मैम, अगर आपको गलत अगर लगेगा तो प्लीज आप बोलिएगा जो बोलना है, लेकिन दीजिए एक बार। क्या है क्या इसमें? देखिए आपको अच्छा लगेगा। तो आप इसके लिए पीछे पीछे आ रहे हैं? जी मैम। कैसा है मैम? बहुत खूबसूरत। ये आपने बनाया? जी मैम, वहाँ पे आपको देखा था, वहीं पे आप रेस्टोरेंट में थे तो सोचा कि आपको एक सरप्राइज दें। बहुत खूबसूरत, आपने बहुत अच्छा बनाया मैम। हम लोग अनजान लोगों का ड्राइंग बनाते हैं और हम लोग अपना यूट्यूब चैनल पे डालते हैं, तो देखिए मेरे साथ वहाँ पे कैमरा मैन है, वीडियो सब शूट हो रहा था, तो मैम थोड़ा तो वहाँ पे मैम हाई कर दीजिए। कैसा लगा मैम आपको? बहुत खूबसूरत।